तो अब ये चैप्टर थोड़ा अलग अलग फ्रिक्वेंसी में चलेगा, अभी फैक्ट्स बेस्ड चल रहा था, अब क्या है वो थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड चलेगा, जैसे कैपेसिटर में करते थे सीरीज एंड पैरेलल। तो सीरीज एंड पैरेलल में सबसे पहले अगर कैपेसिटर्स किस में कनेक्टेड है, इन सीरीज, तो क्या करना है इसको एक बार देखते हैं। इसको देखने के लिए आपकी जो थ्योरी की एनसीईआरटी की बुकलेट है उसमें टॉपिक है, ये टॉपिक है पेज नंबर 16 पे, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो सबसे पहले ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। जब मैं ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं बैटरी लूँगा और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस को नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, हम इसको सॉल्व करेंगे इंटरनल देखें, तो मैं बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस लूँगा। तो अब मैं सिंबल चाहे वी लूँ चाहे ई लूँ, मेरी मर्जी, एक ही बात है, ठीक है। तो सीरीज के अंदर जब करंट आएगा तो तीनों रेजिस्टेंस में एग्जैक्टली क्या रहेगा, करंट सेम, तो करंट सेम है, और जो V होगा टोटल वो डिवाइड हो जाएगा V1, V2 एंड V3, जैसे हम कैपेसिटर में भी करते थे। तो V किसके इक्वल होगा, V1, V2, V3 का सम। तो V1 क्या होगा, I into R1, V2 क्या होगा, I into R2, I into R3, क्योंकि करंट सीरीज में क्या रहता है, एग्जैक्टली सेम। तो आप इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे, I नीचे ले आए, टोटल V अपॉन टोटल I क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू सम ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3, तो पहला रिजल्ट है। दूसरा, इसमें R1 की वैल्यू अगर 1 ओम है, R2 अगर 2 ओम है, R3 अगर 3 ओम है, तो टोटल आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो सीरीज के अंदर जो नेट आंसर आता है वो इन तीनों में से सबसे बड़ी रेजिस्टेंस कौन सी है, ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस कौन सी है, 3 ओम, इससे भी ग्रेटर आएगा, ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। तो इन तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन है, 3, इससे भी बड़ा आएगा 6, बताइए वो तो समूह क्या आना है। उसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट आएगा पर डिवाइड हो जाएगा I1, I2 एंड I3, मेरी मर्जी मैं E लूँ, मेरी मर्जी मैं V लूँ, क्योंकि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने ली नहीं। तो I1, I2, I3, तो सम क्या होगा, I = I1 प्लस I2 प्लस I3 पहले रजिस्टर में, और हाँ पैरेलल के अंदर हमेशा की तरह V की वैल्यू विल रिमेन सेम। तो पहले रजिस्टर में I1 क्या होगा, V/R1, V/R2, V/R3, तो I1, I2, I3 की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये टर्म आएगी, I नीचे आ गया, टोटल करंट बाय टोटल वोल्टेज 1 बाय रजिस्टेंस, तो 1 बाय रजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, क्लियर है। इस रिजल्ट के अंदर अगर ये 1 ओम है, अगर ये 2 ओम है, अगर ये 3 ओम है, तो जो नेट आंसर आएगा ना R ऑफ P का, वो लेस देन 1 ओम आएगा, रेसिप्रोकल है ना, 1 से भी कम आएगा। तो यानी कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है कितनी है, 1, आपका आंसर जो आएगा दैट विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस, तो 1 ओम से भी छोटा आएगा, क्लियर है यहाँ तक। तो इसमें जो इस शीट में वापस जाएं अपनी, तो यही एक्सप्लेन्ड है कि सीरीज में क्या फॉर्मूला लगेगा, पैरेलल में क्या फॉर्मूला लगेगा, और अगर दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में R1 R2, तो ये फॉर्मूला लगेगा सिंप्लीफाई करके R1 R2 by R1 plus R2, क्लियर है यहां तक, ओके। सब्जेक्टिव शीट नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें 2-3 तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने वाले हैं नहीं, असली क्वेश्चन सीरीज पैरेलल के अभी शुरू होने वाले हैं। देखो, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैम्प इन 1 मिनट, इलेक्ट्रॉन्स कितने पास हो रहे हैं ये बताना है।
तो इसमें करंट पता है और आप इसको आपको इसमें टाइम भी पता है। तो करंट कितना है 300 मिली एम्पियर, टाइम पता है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या किया था, क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो एन क्या होगा, क्यू बाई ई, चार्ज पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, वहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कैलकुलेटेड। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंटेन इन अ कंडक्टर, तो ये 10 है, क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, नंबर डेंसिटी एन भी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो कौन सी वेलोसिटी पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का फॉर्मूला दो है वैसे तो, पर करंट की फॉर्म में आई बाय एन ए, तो ये आंसर है। ये भी कर लिया था, रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन किए थे, ये नहीं किया था। ये एक नया क्वेश्चन है, अ वायर हैविंग अ मास, एक वायर का मास गिवन है एंड उसकी रेजिस्टेंस भी गिवन है, इफ द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी भी गिवन है, कैलकुलेट उस वायर की लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन रेडियस, और साथ में क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है। देखो ये बात तो पक्की है, जब मास है डेंसिटी है, तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, या मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यूज होना ही है। आपको सिर्फ दो ही चीजें आती हैं इसमें, या तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, या फिर मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दोनों लगा दो। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आपको इस क्वेश्चन में आर पता है, रो पता है, पाई पता है, एक एल नहीं पता और एक स्मॉल आर नहीं पता। एक और ही क्वेश्चन चाहिए होगी, तो दूसरी क्वेश्चन क्या यूज की मैंने, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होता है किसी भी कंडक्टर का, पाई आर स्क्वायर एल इनटू डेंसिटी। बस दो ही क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं किया मैंने इसमें, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, आर इंटू एम, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर इलिमिनेट हो गया। अब मेरे को क्वेश्चन में आर पता है, एम पता है, रो पता है, एल नहीं पता, तो एल को एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, एल आ जाएगा। कैलकुलेशन को अगर छोड़ दें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, दो फॉर्मूलाज हैं, दोनों को मल्टीप्लाई किया और किसकी वैल्यू आ गई, लेंथ। अब आपके पास अगर लेंथ आ गई, इसके अंदर मास पता है, डेंसिटी पता है, लेंथ पता है, तो क्या आ जाएगा, रेडियस। तो सेकेंड पार्ट में मैंने क्या निकाल दिया, रेडियस में निकाल दिया। क्या ये पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। में आ रहा है ठीक। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपको नॉर्मल बुक्स के अंदर काफी मिलेंगी, मेरी जो ऑब्जेक्टिव शीट्स हैं उसके अंदर भी ऐसी प्रॉब्लम मिलेंगी, तो मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ कि कैसे लगाना है। तो जब होमवर्क आएगा ऑब्जेक्टिव शीट्स का या उन शीट्स का, तो आपको ये एक बार रिवाइज करना है। तो आपको कैसे मास वाले क्वेश्चन को हैंडल करना है, रेजिस्टेंस एंड मास वाले, तो ये ट्रिक है। ये यहाँ से अब शुरू है, अब यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू है, सीरीज एंड पैरेलल। अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे, देखो कैसे। ये एक पूरा सर्किट है, आपको इसमें ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो पॉइंट नंबर वन, अब आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये दोनों किसमें है, सीरीज में, तो 9 और 5 ऐड करके 14, ये दोनों किसमें है, सीरीज में, 10, और ये एज इट इज 10। अब ये तीनों किसमें, इन पैरेलल। पैरेलल में क्यों है, क्योंकि साफ पता लग ही रहा है कि अगर ये मान लो जंक्शन है और ये V1 है और ये V2 है, तो इसके अक्रॉस भी V1 माइनस V2 है, V1 माइनस V2 है, V1 माइनस V2 है, तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में लगा लोगे 1/10, 1/10, 1/14 आंसर। कोई डाउट इसमें, कैपेसिटर सीरीज पैरेलल में ज़्यादा मुश्किल होता है वैसे, रेजिस्टर्स करना थोड़ा इजी भी होता है, शायद आपने कर भी रखा होता होता होगा और कुछ हमने प्रैक्टिस भी कर ली इस वजह से। जैसे ये बताओ, इसके अंदर क्या करना है, ए और बी के बीच में निकालना है, ए और बी में भी ना लाइंस ड्रॉ कर लिया करो पहले, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये दिख रहा है, ये दोनों किसमें हैं, इन सीरीज, तो सीरीज में 3 और 3 मिलके क्या देगा, 6, 6, 6, 6 और 6 किसमें, इन पैरेलल, तो आंसर क्या आएगा, 3, 3 और 3 सीरीज में कितना, 6, 6 और 6 पैरेलल में कितना, 3, 3 और 3 सीरीज में 6, 6 और 6 पैरेलल में 3 और 3 सीरीज में 6, 6 और 3 पैरेलल में 2, तो फिर सॉल्व भी करना पड़ेगा, क्योंकि एंड में क्या बचा, इधर से 6 बचा, इधर से 3, तो रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या होगा, 6 इंटू 3 बाय 6 प्लस, तो आंसर 2 आएगा।
तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे इसको सोचना है आपने? ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको करंट बताना है बैटरी में से कितना निकला। हिंट देता हूं, अभी सॉल्व करो, ये दोनों किसमें? सीरीज में, इसके साथ टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी। टोटल करंट निकालने के लिए इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तो लेना ही नहीं है, तो ई लो वी लो एक ही बात है। तो क्या करना है, 30 और 30 सीरीज में 60, 60 और 30 पैरेलल में, आंसर क्या आएगा 20। तो ये बनेगा डायग्राम 20, तो ये बैटरी और ये 20, तो करंट क्या होगा, जो भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल तो है ही नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल, आंसर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के करंट कैसे निकलते समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे ये इसमें आपको हर ब्रांच में करंट बताना है, क्वेश्चन में बताओ ये किसमें है, तो 12 12 12 12 पैरेलल में आंसर क्या आएगा, 3, 1/12 1/12 1/12 1/12, तो 3। ऐसे ये सब पैरेलल में 3, पैरेलल में 3, 3 3 3 सीरीज में, तो सीरीज में क्या आएगा 9, तो टोटल करंट क्या आएगा 9/9, कितना 1 एम्पियर। तो बैटरी में से कितना करंट निकला 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर करंट यहां तक पहुंचा बैटरी में से, अब चार ब्रांचेस में जाना है, डिवाइड होना है, पर क्योंकि रेजिस्टेंस चारों की सेम है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 1 एम्पियर किसमें, 1/4 1/4 1/4 एंड 1/4। क्या ये पॉइंट क्लियर है, हर ब्रांच में कितना जाएगा? ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर अ लेटर ए इज कंस्ट्रक्टेड, ये ए लेटर है, ये रहा ए लेटर है, कंस्ट्रक्टेड विद अ रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस कितनी है, 1 ओम है। क्लियर है यहां तक? साइड ऑफ द लेटर आर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये साइड कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 ओम की है, तो 20 सेंटीमीटर कितने ओम की है, 20 ओम की है, तो ये कितने ओम की है 20 ओम, ये भी कितने ओम की है 20 ओम टोटल। ठीक, आगे कॉपर पीस इन द मिडल इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो अगर ये टोटल 20 ओम है और ये लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये कितने ओम की है 10 ओम की है, और उसने कहा ये आपने मिडल में लगाया, मिडल का मतलब ये 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, इसका आधा क्या हो जाएगा 10। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब बहुत सिंपल हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये देखो ये 20 थी तो ये कितनी हुई 0 और 0, तो ऐसे ये भी क्या हुआ 0 और 0, तो ये भी 1 0, तो 10 10 10 10 10, तो बैटरी लगी हुई है पर बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है, एंड में यूज करेंगे, आपको हर ब्रांच में करंट बताना है इसमें, राइट। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो 10 और 10 किसमें इन सीरीज, क्या आएगा 20, तो जो 20 आएगा वो इस 10 के साथ किसमें पैरेलल में, और ये 10 और 10 तो एज इट इज और बैटरी एज इट इज। क्लियर है यहां तक डायग्राम? क्लियर है, सेम है। हाँ, इसमें एक पॉइंट जरूर है, इंटरनल रेजिस्टेंस इस क्वेश्चन के अंदर पता है कितनी गिवन है, 3.33, मैंने गलती से क्या ले ली 1.33, तो इसमें 3.33 करेंगे, कोई बीट स्टोन बीज नहीं है, सिंपल है। तो ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? अब 20 और 10 किसमें कनेक्टेड है बोलो, इन पैरेलल, तो आंसर क्या आएगा 20 × 10/20 + 10 × 20/3, तो ये दो रेजिस्टेंस एज इट इज और ये 20/3, तो ये डायग्राम क्लियर है? अब कोई बात नहीं, 1.33 से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू को छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ तक, डायग्राम क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। अब टोटल करंट देखो ध्यान से, टोटल करंट क्या होता था, ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल कितनी है बैटरी के, ये तीनों के तीनों किसमें कनेक्टेड है इन, तो ऐड कर दें एक्सटर्नल आ गई, और इंटरनल कितनी है वो अलग से ऐड कर दे, तो सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, समझ में आ रहा है करंट कैसे निकलेगा? तो टोटल रेजिस्टेंस देनी पड़ेगी एक्सटर्नल की भी और इंटरनल की भी, और ऐड करना पड़ेगा, कोई डाउट इसमें? क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तो आपके पास मान लो क्या आ गया, करंट आ गया, तो आपको इस ब्रांच में करंट पता लग गया 0.5 0.5, यानी कि आपको ये पता लग गया ये 0.5 ये 0.5, आपको बाकी ब्रांचेज में निकालना है। अब 0.5 डिवाइड होगा 20 और 10 में, तो डिवाइड करें
तो देखो 20 और 10 को अलग बना लिया मैंने और 0.5 करंट आ रहा है, तो 0.5 करंट को 20 और 10 में डिवाइड करें तो मान लो इसमें चला गया I2 और इसमें चला गया I1, पर पैरेलल में V क्या रहता है? सेम। तो इसका V क्या होगा? I2 इंटू 20, इसका क्या होगा? I1 इंटू 10। तो यहाँ से करंट की रेशियो आ गई, टोटल करंट कितना बांटना है? 0.5 को किस रेशियो में? 2:1। तो पहला हिस्सा क्या होगा? 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू 0.5। दूसरा क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 इंटू 0.5। तो ये करंट की वैल्यू आ जाएंगी इसमें और इसमें। तो जो करंट इसमें होगा 20 में, क्योंकि ये किससे बना हुआ था? इन दोनों का सीरीज में, तो करंट इन दोनों में रहेगा एग्जैक्टली। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। आपको आइडिया समझ में आ रहा है? तो अगला जो लेक्चर है हमारा, बस वो इन्हीं की प्रैक्टिस है। तो मैं आपको अलग अलग डायग्राम दूंगा, EMF दूंगा, आप करंट्स और रेजिस्टेंसेस को निकाल लेंगे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको?